का पैरामीटर ऑफ लॉ के इस चैनल में मैं आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। आज मैं एक एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक इंश्योरेंस क्या होता है इंश्योरेंस के बारे में बताने जा रहा हूं। दो व्यक्ति जिनमें एक व्यक्ति स्वयं तथा दूसरी बीमा कंपनी होती है, इन दोनों के बीच में कोई भी एग्रीमेंट होने पर बीमित व्यक्ति से फिक्स अमाउंट लिया जाता है और उसके एवज में जो भी टर्म्स कंडीशन इंश्योरेंस में है बाद में उसको सारी भरपाई इंश्योरेंस कंपनी करती है। नुकसान भरपाई जैसे घर की कोई आग वगैरह लग गई, चोरी हो गई, किसी भी तरह का कार आदि का इंश्योरेंस पहले से डिसाइड कंडीशन पर भरपाई, लाइफ या लाइफ इंश्योरेंस एक प्रकार है, लाइफ इंश्योरेंस में जीवन से संबंधित व्यक्ति LIC की पॉलिसी वगैरह लेता है। इसमें जनरल इंश्योरेंस भी होता है जिसमें फाइनेंशियल सिक्योरिटी, घर, व्हीकल, हेल्थ आदि की जाती है। फ्यूचर में नुकसान की भरपाई के लिए ये इंश्योरेंस होते हैं। कई तरह के आजकल इंश्योरेंस है, जैसे ट्रेवल इंश्योरेंस, जब आप यात्रा शुरू करते हैं और जब तक आप उस यात्रा से लौट कर नहीं आते हैं, इस बीच में किसी भी तरह के नुकसान आदि की भरपाई भी ये बीमा कंपनी करती है। ट्रेवल में घूमने फिरने के लिए इंश्योरेंस विथ फुल इंफॉर्मेशन उसमें आपको देनी होती है। बिजनेस लाइबिलिटी के बारे में भी, बिजनेस में भी किसी तरह का कोई नुकसान होता है तो उसके लिए इंश्योरेंस किया जाता है, फिक्स टर्म पॉलिसी रहती है। और इसी तरह क्रॉप आदि का कोई फसल है उसका बीमा, फसल में कोई नुकसान हो गया, नष्ट हो गई, आग वगैरह लग गई, सीजनल कोई नुकसान है तो उसकी भरपाई फसल बीमे के रूप में की जाती है। कार का इंश्योरेंस हर साल हर व्यक्ति को कराना होता है, जिसमें थर्ड पार्टी इंश्योरेंस, कोई डैमेज हो गया, कुछ हो गया तो उसकी भरपाई बीमा कंपनी करती है। इसके अलावा पॉलिसी टर्म्स और कंडीशन में जिन इलाज आदि के लिए भी बीमे होते हैं, जैसे व्यक्ति के कोई बीमारी हो गई तो इसके लिए जो भी टर्म्स कंडीशन उस बीमा पॉलिसी में आपके द्वारा ली गई है, इसमें इलाज सिर्फ उन हॉस्पिटल्स में जो उससे रिलेटेड या उस लिस्ट में स्वीकृत होते हैं। हेल्थ पॉलिसी हॉस्पिटल के लिए, इसके अलावा आग आदि, फायर यदि किसी तरह का आग लग गई, अर्थक्वेक हो गया, हड़ताल या किसी तरह का और ऐसा एक्ट ऑफ गॉड या नेचुरल कैलेमिटी से कोई नुकसान होता है तो उसके लिए भी बीमा दिया जाता है। इस प्रकार कुल मिलाकर बीमा आपको कराना ही चाहिए और बीमा में लीगल जो एग्रीमेंट है उस व्यक्ति तथा बीमा कंपनी के बीच, इस एग्रीमेंट में जो भी टर्म्स कंडीशन है उसकी नुकसान की भरपाई बीमा कंपनी द्वारा की जाती है, चाहे वह घर से संबंधित हो, कार से संबंधित हो, लाइफ इंश्योरेंस से संबंधित हो, जनरल इंश्योरेंस हो, फाइनेंशियल आपकी सिक्योरिटी के लिए, घर, व्हीकल, हेल्थ, फ्यूचर में किसी भी तरह के नुकसान की भरपाई के लिए, चाहे वो खेती से संबंधित हो, क्रॉप से संबंधित हो, बिजनेस से संबंधित हो, ट्रेवल से संबंधित हो, पॉलिसी टर्म्स कंडीशन जो भी आपने लिए हैं, हेल्थ पॉलिसी आदि, आजकल हेल्थ से संबंधित रोग भी बहुत अधिक बढ़ गए हैं, अस्पतालों के चक्कर लगाने पड़ते हैं, और नेचुरल कैलेमिटी कोई आग वगैरह लग गई, अर्थक्वेक हो गया, हड़ताल, तो इस प्रकार आपको बीमा भविष्य की सुरक्षा के लिए करा ही लेना चाहिए। तो मैंने एक छोटा सा बीमे के संबंध में आपको इस वीडियो में खास खास बातें बताने का प्रयास किया। इस प्रकार लीगल एग्रीमेंट कर आप तथा बीमा कंपनी के मध्य किसी भी प्रकार का बीमा आप बीमा कंपनी से ले सकते हैं और अपना फ्यूचर सुरक्षित कर सकते हैं। मित्रों, मेरा एक अनुरोध है कि यदि आप इस चैनल पर नए हैं और अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें तथा जो भी समय समय पर मैं आपको लीगल वीडियोस दे रहा हूं उनके नए नोटिफिकेशन और वीडियो आपको उसकी जानकारी मिलती रहे। थैंक यू फॉर वॉचिंग। प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब माई वीडियो। थैंक यू। नमस्कार।